वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? फटाफट बताओ भाई। नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, राज्य के नीति निदेशक तत्व, बहुत ही शानदार तरीके से। वेरी गुड मॉर्निंग शेरल। फिजिक्स वाला कहाँ थे भाई? है फिजिक्स वाला और प्रार्थना, क्लियर है ना सब कुछ? ठीक है ठीक है ठीक है। तो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। फटाफट क्लास की शुरुआत करते हैं और आज का हमारा टॉपिक होगा राज्य के नीति निदेशक तत्व, डीपीएसपी। ठीक है, अच्छे से समझते हुए पढ़ेंगे। ठीक है, रटना नहीं है किसी भी टॉपिक को, रटने से काम नहीं चलेगा, ना ही रटने से कुछ भी बन पाओगे, याद रखना, क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस होता है। यदि समझ के पढ़ोगे तो चीजें हमारे दिमाग में हमेशा रहती है ना, तो याद रखना। सबसे पहले तो स्वागत है आप सबका। इसके अलावा दोस्तों फटाफट जुड़ जाइए मेरे टेलीग्राम ग्रुप ललिता दहिया अकेडमी से। ललिता दहिया अकेडमी टेलीग्राम ग्रुप पे मेरी सारी क्लासेस के लिंक, टाइमिंग, नोटिफिकेशन, क्लासेस की जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएंगी। कल जो आंसर राइटिंग हुई थी उसकी पीडीएफ और जो परसों गुट निरपेक्ष की प्रासंगिकता टॉपिक हुआ था नैम, उन दोनों की पीडीएफ आज मिल जाएंगी भाई आप लोगों को। ठीक है, तो इसी टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगी। इसके अलावा आप मेरे इंस्टाग्राम और मेरे फेसबुक पेज ललिता दहिया अकेडमी से भी जुड़ सकते हैं। दोस्तों फटाफट अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लीजिए ललिता दहिया अकेडमी ऐप को। इस ऐप के ऊपर मैं बहुत ही डेडिकेटेड तरीके से आप लोगों को प्रिपरेशन करा रही हूँ और इस ऐप पे पहला बैच है पॉलिटिक विद करंट अफेयर्स फॉर आईएएस मेंस 2023-24-25 तक के बच्चों को के लिए। याद रखिएगा पॉलिटी कितने शानदार तरीके से हम पढ़ सकते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड और बिल्कुल कंसेप्चुअल क्लियरिटी के साथ करंट को ऐड करते हुए। डेली आंसर राइटिंग हो रही है इस ग्रुप में, इस जो इस बैच का एक डेडिकेटेड ग्रुप बना हुआ है टेलीग्राम पे। ठीक है, तो डेली आप लोगों को आंसर भेजना होता है, तो बहुत सारे बच्चे उसमें आंसर राइटिंग भी कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा सुधार है। हम 20-22 दिन की क्लास में लगभग 34-35 क्वेश्चन कर चुके हैं और ऐसे ही ये प्रोसेस चलेगी। ठीक है, तो याद रखिएगा, जुड़ जाइए पॉलिटी विद करंट अफेयर्स वाले बैच में ललिता दहिया अकेडमी ऐप के ऊपर। मात्र 2100 रुपये में कम्प्लीट पॉलिटी का सिलेबस कवरेज, करंट, आंसर राइटिंग, सब कुछ। हिस्ट्री ऑप्शन बहुत जल्द लाने वाली हूँ ललिता दहिया अकेडमी ऐप पे ही। इसके अलावा हमारा एक बैच और चल रहा है इंटरनेशनल रिलेशंस विद करंट अफेयर्स फॉर आईएएस मेंस 2023-24 और 25 तक के बच्चों के लिए। इंटरनेशनल रिलेशंस के पूरा कवरेज विद करंट अफेयर्स और बहुत सारे डायमेंशंस के साथ विद आंसर राइटिंग, तो आप जुड़े इस ग्रुप के साथ। मात्र 1625 रुपये में आपको पूरा इंटरनेशनल रिलेशंस कवर कराया जा रहा है। याद रखिएगा, इतनी कम फीस में इतना बेस्ट कंटेंट और इससे ज़्यादा सरल और सहज पढ़ाने का तरीका बहुत कम मिलता है। मैं ये नहीं कहूँगी मिलेगा ही नहीं, है ना, बहुत कम मिलता है, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों को पढ़ाना कैसे है, आप लोगों को सिखाना कैसे है, है ना। तो फटाफट जुड़े ललिता दहिया अकेडमी ऐप को अभी इंस्टॉल करें, साइनअप करें और जुड़े इन दोनों बैचेस से अपनी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए। वीडियो को लाइक कर दे भाई, शेयर कर दें, क्लास के बाद कमेंट करना, यदि समझ में आती है चीजें चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करवाएं। ठीक है, तो दोस्तों बात करते हैं डीपीएसपी की, राज्य के नीति निदेशक तत्व। सबसे पहली बात, राज्य के नीति निदेशक तत्वों के यदि हम बात करें, एक बार हम वैसे बात करते हैं, हमने फंडामेंटल राइट पढ़े, पूरे फंडामेंटल राइट पढ़े, 7-8 पार्ट में जाके फंडामेंटल राइट हमारे हुए। फंडामेंटल राइट कहीं ना कहीं पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को स्थापित करते हैं भाई, लोगों को सशक्त बनाते हैं, लोगों को स्वतंत्र करते हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देते हैं, शोषण के विरुद्ध लोगों को अधिकार देते हैं, गरिमा में पूर्ण जीवन जीने का अधिकार देते हैं, समानता का अधिकार देते हैं, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार देते हैं। तो ये सारे अधिकार हमको फंडामेंटल राइट से मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट राजनीतिक लोकतंत्र को स्थापित करते हैं, यानी यदि लोगों को ये फंडामेंटल राइट प्राप्त नहीं होंगे तो एक व्यक्ति नागरिक के तौर पे जो उसकी भूमिका है वो नहीं निभा पाएगा और इससे राजनीतिक लोकतंत्र क्या होगा, कमजोर होगा। तो कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को बढ़ाते हैं, उसी तरीके से जो राज्य के नीति निदेशक तत्व है ये सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को बढ़ाते हैं, यानी सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ाते हैं।
सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को कैसे, सामाजिक लोकतंत्र कब विकसित होगा, जब समाज के प्रत्येक वर्ग को, तब जब समाज का प्रत्येक वर्ग समाज की मुख्य धारा में शामिल होगा, चाहे दिव्यांग है, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, ट्रांसजेंडर हैं, एससी एसटी है ना, तो उसके लिए प्रयास किया जाता है कहाँ पे, डीपीएसपी में, उनको रोजगार देने से संबंधित, उनको शिक्षा देने से संबंधित, उनको काम देने से संबंधित, काम की न्याय संगत दशाएं देने से संबंधित जो भी कार्य किए जाते हैं वो डीपीएसपी के माध्यम से किए जाते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाती हैं वो सारी डीपीएसपी के माध्यम से क्रियान्वित की जाती हैं। इसलिए जो डीपीएसपी है वो सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देने का काम करते हैं। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, अब जैसे एक एक करके हम पॉइंट्स को देखेंगे। जैसे ये देखिए, अंबेडकर जी ने कहा है कि नीति निदेशक तत्व भारतीय संविधान की अनोखी विशेषता है, इसमें एक कल्याणकारी राज्य का लक्ष्य निहित है। यानी कहीं ना कहीं जो डीपीएसपी है वो कल्याणकारी राज्य के लक्ष्य पे निहित है। और कल्याणकारी राज्य का मतलब ही क्या होता है, वेलफेयर स्टेट का मतलब ही क्या होता है, कि राज्य का काम केवल सुरक्षा करना नहीं है, बल्कि जो समाज के वंचित तबके हैं उनको मुख्य धारा में शामिल करना भी है, है ना। यही होता है कल्याणकारी राज्य। यानी केवल राज्य सुरक्षा नहीं करेगा, राज्य का काम होगा अलग अलग योजनाओं के माध्यम से जो समाज के वंचित तबके हैं, जिसमें एससी एसटी दिव्यांग ट्रांसजेंडर महिलाएं बच्चे बुजुर्ग, उन सब के लिए भी अलग अलग कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से कार्य करना, ताकि ये लोग भी समाज की मुख्य धारा में शामिल हो सके। तो कहीं ना कहीं अंबेडकर जी ने कहा था कि ये जो डीपीएसपी है ये कल्याणकारी राज्य का लक्ष्य निहित रखते हैं। इसी के तहत ये सब आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। नीति निदेशक तत्व राष्ट्रीय चेतना के आधारभूत स्तर का निर्माण करते हैं। नीति निदेशक तत्व संविधान सभा के उद्देश्यों और आकांक्षाओं का घोषणा पत्र है। यानी नीति निदेशक तत्व संविधान सभा, हमारी संविधान सभा के उद्देश्य क्या थे और हमारी संविधान सभा की आकांक्षाएं क्या थी, इच्छाएं, देश के प्रति जो लक्ष्य है वो क्या थे, उनका घोषणा पत्र है। वो सारी चीजें यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगी। मोटे तौर पे यहाँ तक समझ में आया आपको कि भाई जो डीपीएसपी है वो सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देते हैं, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हैं, और साथ ही ये कहीं ना कहीं जो हमारे संविधान निर्माताओं के जो उद्देश्य थे उनको प्रदर्शित करने का काम करते हैं, उनको पूरा करने का काम करते हैं। अब यदि एक परिचय की बात करें तो आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों कि संविधान का भाग चार है। संविधान के भाग चार में आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51, 36 से लेके 51 तक डीपीएसपी को प्रतिष्ठापित किया गया है। और डीपीएसपी का लक्ष्य ही क्या होता है, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। यानी भाग चार और आर्टिकल 36 से 51, नीति निदेशक तत्वों की जो प्रकृति होती है ना वो गैर न्यायोचित होती है, याद रखिएगा। तथापि ये देश की शासन व्यवस्था में मौलिक सिद्धांत है, याद रखना। गैर न्यायोचित मतलब नॉन जस्टिसेबल, यानी यदि डीपीएसपी का उल्लंघन हो या फिर हमें ना मिले कोई डीपीएसपी तो हम क्लेम नहीं कर सकते कोर्ट में जाके, जैसे कि हम फंडामेंटल राइट में कर सकते थे। क्यों? क्योंकि फंडामेंटल राइट जस्टिसेबल थे, न्यायोचित थे, लागू हो सकते थे, है ना। इसलिए यदि हमारे फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता था तो हम सीधा सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं और हाई कोर्ट तो जा ही सकते हैं, है ना। लेकिन डीपीएसपी के उल्लंघन या फिर ना मिलने की कंडीशन में हम कोर्ट जाके क्लेम नहीं कर सकते कि भाई ये देखो यहाँ लिखा है और हमें मिल नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि पहले ही कह दिया है आर्टिकल 37 में, साफ साफ लिख दिया है कि डीपीएसपी गैर न्यायोचित होंगे, नॉन जस्टिसेबल होंगे, यानी ये लागू नहीं हो सकते, है ना, जब तक कि इनको कानून ना बना दिया जाए। अभी मैं समझाऊंगी आप लोगों को, यहाँ ये बात समझ में आ गई होगी कि ये नॉन जस्टिसेबल है, देश की शासन व्यवस्था के मौलिक सिद्धांत है। अगला, ये सिद्धांत देश के प्रशासकों के लिए आचार संहिता का काम करते हैं, यानी ये आचार संहिता का काम करते हैं। हमारे देश के जो तरीके से राजनीतिज्ञ हैं, जो शासक हैं, उनके लिए क्या काम करते हैं कि भाई हम यदि सत्ता में आते हैं तो ये हमारे लिए आचार संहिताएं हैं, यानी हमको डीपीएसपी को लागू करना होगा। इस बात को समझिए, डीपीएसपी लिखे हुए हैं आर्टिकल 36 से 51 तक,
अब अलग अलग सरकारें आएंगी और अपनी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग इन डीपीएसपी को लागू करने का प्रयास करेंगी कि भाई यदि काम का अधिकार है तो हम कोई कानून बना देंगे, जैसे मनरेगा आ गया, ठीक है भाई, प्रसूति सहायता की बात है इसमें मातृत्व लाभ विधेयक बना देंगे हम महिलाओं को प्रसूति सहायता देने के संबंध में, भाई इसमें दिव्यांगों के संरक्षण की बात है तो हम दिव्यांगों के लिए कुछ आरक्षण वगैरह का प्रोविजन कर देंगे। यानी ये जो डीपीएसपी है ना, ये आचार संहिता के तौर पे काम करते हैं किसी भी सरकार के लिए। राज्य के नीति निदेशक तत्व भारत में कल्याणकारी राज्य, ये आपको पता होना चाहिए, यानी एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का आधार तय करते हैं डीपीएसपी। यानी इस पेज में हमने क्या पढ़ा, भाग 4 36-51 गैर न्यायोचित है, ठीक है, आप न्यायालय में नहीं जा सकते, एक आचार संहिता के समान है प्रशासकों के ऊपर, और राज्य के नीति निदेशक तत्व कहीं ना कहीं कल्याणकारी राज्य की अवधारणा से सीधे जुड़े हुए हैं। अब क्या बोल रहे हो मैम, अगर राज्य सरकार ने दिया हो लेकिन कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय उसका हनन करे तो कोर्ट जा सकते हैं क्या? क्या हनन करेगा कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय? इसमें हनन करने का मुद्दा ही नहीं आता ना। मान लो इसमें या तो आरक्षण दिया है, तो आरक्षण दिया है या तो मिलेगा या नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट एम्प्लॉय क्या, जैसे मान लो, हाँ बिल्कुल जा सकते हो, जैसे मान लो मातृत्व सुरक्षा विधेयक आया, भाई महिलाओं को जो प्रसूति सहायता दी जाती है उसके लिए एक्ट आया, यदि उस एक्ट का कोई गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट तो करेगी करेगी पालन अनुपालन, यदि प्राइवेट संस्था भी, प्राइवेट संस्थाओं में भी कैटेगराइज किया गया है कि भाई इतने सदस्य होने चाहिए उस प्राइवेट संस्था में, तब आपको मैटरनिटी बेनिफिट मिलेगा। यदि मैटरनिटी बेनिफिट नहीं मिलता तो फिर आप जा सकते हो कोर्ट, बिल्कुल सही बात है, फिर तो आप कानून के अगेंस्ट जा रहे हो ना, बिल्कुल जा सकते हो। भाई एक बात बताओ, आपको वैसे तो कुछ मिल नहीं रहा था, सरकार ने क्या किया, कानून बना दिया, अब कानून बना के आपको सुरक्षा दे दी कि आपको ये डीपीएसपी का जो लक्ष्य है ये पूरा होगा। अब ये कानून का पालन यदि कोई संस्था नहीं करेगी तो सिंपल सी बात है, लॉजिकल बात है ना, यदि कानून का पालन नहीं करेगी तो फिर आप कानून का अनुपालन कराने के लिए जा सकते हो, ठीक है, कितना टेस्टी नाम रखा है, हैं? चलो भाई साहब महान हो। लेकिन अब आगे आए, कल्याणकारी राज्य शासन की वो संकल्पना होती है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, जिसमें राज्य के नागरिकों को विशेषतः कमजोर वंचित और अति संवेदनशील वर्गों के कल्याण का काम किया जाता है। भाई कल्याणकारी राज्य का ही मतलब क्या हुआ, यानी शासन की वो संकल्पना जिसमें कमजोर वंचित और अति संवेदनशील वर्ग हैं उनके कल्याण का काम किया जाएगा, किसके द्वारा, राज्य के द्वारा। अनेक महत्वपूर्ण अधिकारों, उनको अनेक महत्वपूर्ण अधिकार दिए जाएंगे, जैसे आजीविका का अधिकार है, सामाजिक सुरक्षा है इत्यादि को मूल अधिकार के रूप में, ये एक अलग बात है, सम्मिलित नहीं किया गया है भारत में। बहुत सारे अधिकार ऐसे थे जिनको फंडामेंटल राइट में नहीं शामिल किया गया, क्योंकि जब देश स्वतंत्र हुआ तो देश के पास संसाधन सीमित थे, देश की अलग प्रायोरिटीज थी, तो इसलिए ये तय किया गया कि देखो भाई साहब ऐसा है, जो प्रायोरिटी वाले एरिया हैं, यानी जो बिल्कुल प्राथमिकता वाले एरिया हैं, जिनको हम देने में देर नहीं कर सकते, उनको हम रखेंगे फंडामेंटल राइट, ताकि यदि इन अधिकारों का उल्लंघन हो तो नागरिक सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट भी जा सके। लेकिन जो हम अभी नहीं दे सकते, भाई सबको रोजगार नहीं दे सकते अभी हम, मैं जब देश स्वतंत्र हुआ उस समय की बात कर रही हूँ, अभी हम सबको सामाजिक सुरक्षा नहीं दे सकते, मतलब सबके कल्याण के लिए हम कुछ अलग से कल्याणकारी योजनाएं नहीं चला सकते, तो इनको एक अलग से डीपीएसपी के रूप में स्थापित कर दिया और ये लक्ष्य रखा गया। आर्टिकल 37 के तहत ये कहा गया कि डीपीएसपी शासन के आधारभूत होंगे, यानी सरकारें जैसे जैसे सत्ता में आएंगी वो इन डीपीएसपी को क्रियान्वित लागू करने का काम करेंगी, और लगभग हर सरकार ने इनको क्रियान्वित करने का काम किया। यानी कल्याणकारी राज्य क्या होता है ये आप समझ गए कि भाई सरकारें क्या करेंगी, जो कमजोर वंचित और अति संवेदनशील वर्ग है उनके कल्याण के लिए कुछ अतिरिक्त काम करेंगी। अनेक महत्वपूर्ण अधिकार फंडामेंटल राइट में शामिल नहीं थे जो यहाँ शामिल है। इन अधिकारों को निदेशक तत्वों के रूप में स्थान दिया गया है जिससे समतापूर्वक समाज की स्थापना की जा सके। बहुत सारे अधिकार हैं, जब अभी आर्टिकल पढ़ेंगे ना, आर्टिकल 36-51 एक एक आर्टिकल के बारे में आपको बताया जाएगा। संविधान निर्माताओं ने ये जो विचार था डीपीएसपी का, ये आयरलैंड के संविधान से लिया है, ये भाई बहुत बार पूछता है, पीटी लिख लेना। मूल अधिकारों के साथ साथ नीति निदेशक तत्व
को भी संविधान का आत्मा और दर्शन कहा गया है। और ऑस्टिन ने तो निदेशक तत्वों को मूल इसको फंड ये क्या नाम है डीपीएसपी को मूल आत्मा कहा है, इतना जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ आपको पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से तीन चार चीजें याद रखनी है, जैसे भाग चार ये पूछ लेगा पीटी में, गैर न्यायोचित है बनता ही है यहाँ से क्वेश्चन, और कल्याणकारी राज्य है यहाँ से क्वेश्चन बनता ही है। ठीक है, इतना क्लियर। अब नीति निदेशक तत्वों को कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को प्रभावित करने वाले पश्चिमी उदार लोकतांत्रिक विचारों को भारतीय परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित करके सम्मिलित किया गया। मतलब एक बात याद रखना, देखो ये जो आर्टिकल 36 से लेके 51 तक डीपीएसपी के प्रोविजंस हैं, इनको डिवाइड नहीं किया गया है संविधान। मतलब संविधान में ऐसे नहीं डिवाइड किया गया है कि कौन से तत्व समाजवादी होंगे, कौन से तत्व गांधीवादी होंगे, कौन से तत्व उदार बौद्धिकवादी होंगे। समाज संविधान में इनको ऐसे बिल्ली है, दरवाजे बंद करो सारे। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना, वो बिल्ली की आवाज आ रही थी तो मुझे लगा कि भगवा दूं उसको। एनीवे मेरी बात समझिए, यानी संविधान में कहीं कोई जिक्र नहीं है, लेकिन कहां जिक्र है, अलग अलग इनको ना इनके उद्देश्यों के हिसाब से इनको डिवाइड किया गया है। यानी जो समाजवाद से प्रेरित लगते हैं उनको समाजवादी कैटेगरी में हम रख देते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, याद रखना, पीटी में भी बनता है, मेंस में भी बनता है, लेकिन यहाँ पे हम बेसिकली पीटी की बात कर रहे हैं। तो समाजवादी लक्ष्यों में रख देंगे, जो उदारवादी सिद्धांतों से संबंधित डीपीएसपी है उनको उदारवादी लक्ष्यों में शामिल कर देते हैं, और जो गांधीवादी यानी गांधी जी के दृष्टिकोण के अनुकूल जो लक्ष्य हैं उनको हम कहाँ पे रख देते हैं, उनको हम गांधीवादी उद्देश्यों के तहत रख देते हैं। यानी ये जो डिवाइडेशन किया गया है, डिवाइड किया गया है इनको, ये संविधान में नहीं है, बल्कि ये हमने अपनी सुविधा के अनुसार कर लिया। जो लक्ष्य समाजवादी है समाजवादी, यानी मोटे तौर पर जो डीपीएसपी उनको तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, गांधीवादी, समाजवादी और उदार बौद्धिकवादी। ठीक है, क्लियर। इनकी विशेषताओं पे आते हैं, उससे पहले मुझे एक बार ये बता दो, इन तीन स्लाइड में किसी को कोई भी दिक्कत है, टिप्स पे याद होंगी चीजें, टिप्स पे, और जब मैं क्लास के बाद रिवाइज कराऊंगी ना तो बिल्कुल सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। क्या बोल रहे हो सोनू, 15 सितंबर से यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हो? यार देखो, सिलेक्शन तब होता है जब हम कंटिन्यू मेहनत करते हैं, और क्यों नहीं होएगा यार, जिनका होता है वो भी तो हमारे जैसे ही है ना। बात ये होती है कि बात कंटिन्यू मेहनत कौन करता है। इस पे मैं स्ट्रेटेजी सेशन लेके आने वाली हूँ सोनू संडे को, उस दिन बात करेंगे, उस दिन एक तरीके से ओपन सेमिनार होगा, एक स्ट्रेटेजी सेशन लेके आने वाली हूँ आंसर राइटिंग पे, आंसर राइटिंग कैसे करें, क्या क्या ध्यान रखें, फ्रेशर कैसे शुरू करें, ठीक है, और जो थोड़ा पढ़ चुके हैं वो कैसे आंसर राइटिंग को शुरू करें, और डेली कैसे आंसर राइटिंग करें, है ना, अपने आप को कैसे उसके अनुकूल बनाए। तो इस पे मैं संडे को सेशन लेके आने वाली हूँ, उस दिन डिस्कस करेंगे। अभी तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो अब बात करते हैं ये वाला नीति निदेशक तत्वों की विशेषताओं में। यदि हम देखें तो पहला, नीति निर्माण के निर्देश है, यानी नीति निदेशक तत्वों की विशेषताएं क्या है, नीति निर्माण के निर्देश है, यानी जो डीपीएसपी नामक की सूक्ति से यह स्पष्ट होता है कि नीतियों और कानूनों को प्रभावी बनाते समय राज्य इन तत्वों को ध्यान में रखेगा। यानी संवैधानिक निर्देश है या विधायिका, कार्यपालिका या प्रशासनिक मामलों के लिए राज्यों के लिए सिफारिशें हैं। आर्टिकल 37 साफ साफ तौर पे दोस्तों कहता है कि जो राज्य के नीति निदेशक तत्व है वो भले ही प्रवर्तनीय नहीं है न्यायालय में, लेकिन ये आधारभूत होंगे शासन के, यानी कि सरकारें इनको लागू करने का प्रयास करेंगी। और ये कहीं ना कहीं निर्देश है सरकारों के लिए कि भाई यदि आप सत्ता में आते हो तो आपको डीपीएसपी के उद्देश्यों को लागू करना पड़ेगा। और याद रखना, अलग अलग सरकारें डीपीएसपी को क्रियान्वित करने का प्रयास करती हैं। जैसे निशुल्क विधिक सहायता की बात है तो हम क्या लेके आए, हम नलसा लेके आए, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम लेके आए 1985 में, है ना। मातृत्व सुरक्षा की, प्रसूति सुरक्षा की बात है तो मातृत्व लाभ अधिनियम लेके आए, रोजगार की बात है, काम की बात है तो हम मनरेगा लेके आए। ऐसे ही बहुत सारी योजनाएं, जो ये जितनी भी सैकड़ों योजनाएं आपको दिख रही हैं, ये कहीं ना कहीं
डीपीएसपी को फुलफिल इसको पूरा करने के लिए किए गए प्रयास है। यानी डीपीएसपी क्या है की पहली विशेषता क्या है, ये नीति निर्माण के लिए निर्देश देते हैं सरकारों को कि भाई सरकारों इन डीपीएसपी को लागू करने का प्रयास करो। दूसरा, ये गैर परिवर्तनीय प्रकृति के होते हैं, जैसा कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ, आर्टिकल 37 में ये साफ साफ लिखा है कि जो डीपीएसपी है वो स्वतः परिवर्तनीय नहीं होते हैं, यानी परिवर्तनीय नहीं होते हैं ये। लेकिन मान लो ये तब लागू होते हैं जब कोई कानून निदेशक तत्वों को प्रभावी बनाने के लिए निर्मित किया जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। जब तक मातृत्व लाभ अधिनियम नहीं आया तब तक आप प्रसूति सहायता को क्लेम नहीं कर सकते, ना तो सरकारी नौकरियों में ना ही प्राइवेट नौकरियों में क्लेम ही नहीं कर सकते, क्योंकि गैर न्यायोचित है। लेकिन जब एक्ट आ गया तो आप क्लेम कर सकते हो, यदि आपको नहीं मिल रहा है तो फिर आप कोर्ट जा सकते हो। जैसे आजीविका का अधिकार, भाई वैसे तो आपको नहीं है लेकिन मनरेगा में आपको एक गारंटी दे दी गई कि भाई आपको 100 दिन का रोजगार मिलेगा, अलग अलग इसके क्राइटेरिया बना दिए गए, तो उसके संदर्भ में आप शिकायत कर सकते हो और आपको ये मिलेगा ही मिलेगा। यानी दो चीजें, दो विशेषताएं नीति निर्माण के लिए निर्देश है, गैर प्रवर्तनीय है, इनको लागू नहीं किया जा सकता, लेकिन यदि उस संदर्भ में कानून बना दिया जाए सरकार के द्वारा तो इनको लागू किया जा सकता है। जैसे इसका एक उदाहरण देख लो आप, प्रस्तावना में निहित समाजवादी लोकतंत्र की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करते हैं, वही समाजवादी लोकतंत्र की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करते हैं ना डीपीएसपी। 42वें संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा समाजवादी शब्द आर्टिकल 38 और 39 को अर्थपूर्ण बनाने का प्रयास करता है। आप देखोगे समाजवादी लोकतंत्र की बात तो है, अब ये समाजवादी लोकतंत्र हमको दिखता कहाँ है? आर्टिकल 38 देखोगे, आर्टिकल 39 देखोगे, अभी मैं बताऊंगी 38 में क्या है, सीधा सीधा कल्याणकारी शब्द का जिक्र है, आर्टिकल 39 में 5-6 चीजें हैं, मैं बताऊंगी आप लोगों को। तो कहीं ना कहीं समाजवादी आदर्श की प्राप्त समाजवादी लोकतंत्र की स्थापना हो रही है। आर्टिकल 40 में सॉरी गाइस, आर्टिकल 40 में जो स्थानीय स्वशासन दिया गया है उसको 73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा लोकतंत्र को और अधिक समावेशी बनाया गया। इनका उद्देश्य न्यायालय में उच्च आदर्श स्वतंत्रता समानता बनाए रखना है, साथ ही कल्याणकारी राज्य की स्थापना का भी उद्देश्य रखते हैं। यानी कहीं ना कहीं ये नीति निर्माण के लिए निर्देश है, गैर प्रवर्तनीय है, समाजवादी लोकतंत्र की स्थापना करते हैं, ये क्या नाम है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की स्थापना करते हैं आर्टिकल 40 के माध्यम से, ये हमने देखा, और ये कल्याणकारी राज्य का आदर्श सामने रखते हैं। इतना समझ में आ गया। अब एक बार फटाफट सबसे पहले फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के बीच में अंतर देख लेते हैं, उसके बाद आएंगे हम वाद विवादों पे। कहां गया भाई, बहुत पीछे था थोड़ा सा, ये रहा। देखो मूल अधिकार और नीति निदेशक तत्वों में अंतर को एक बार समझ लेते हैं, ताकि हमने जो फंडामेंटल राइट वाला चैप्टर अभी पढ़ा है उससे हम तुलना कर सकें आखिर दोनों में डिफरेंस क्या है। तो पहली बात आपको याद रखनी है कि जो फंडामेंटल राइट है दोस्तों, वो उदारवादी दर्शन पे आधारित है। किस पे आधारित है? उदारवादी दर्शन पे, जो व्यक्ति और उनके अधिकारों को संरक्षण प्रदान करते हैं। यानी जो फंडामेंटल राइट है ये उदारवादी दर्शन पे आधारित है और कहीं ना कहीं व्यक्ति के अधिकारों को संरक्षण प्रदान करते हैं। और जो डीपीएसपी है ना, ये एक विचारधारा से नहीं बल्कि ये अलग अलग विचारधाराओं से जुड़े हुए हैं। जैसे कल्याणकारी मिलेंगे आपको, समाजवादी मिलेंगे, गांधीवादी मिलेंगे, पर्यावरण से जुड़े हुए या अंतर्राष्ट्रीयता का समर्थन करते हुए। तो जहां पे फंडामेंटल राइट उदारवादी विचारधारा से जुड़े हैं, वहीं पे डीपीएसपी अनेक विचारधाराओं को समावेशित करते हैं, जिसमें गांधीवादी, समाजवादी, अंतर्राष्ट्रवाद, ठीक है, कल्याणकारी, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित। तो ये सारे, पहला डिफरेंस आपको समझ में आया, ये सारी विचारधाराएं हमको डीपीएसपी के अलग अलग आर्टिकल में देखने को मिलती हैं। अगला, यह सामान्य रूप से राज्य तथा कुछ मामलों में निजी व्यक्तियों पर भी निषेधाज्ञा होती है। यानी जो फंडामेंटल राइट होते हैं ना, ये राज्य के ऊपर निषेधाज्ञा होते हैं, यानी राज्य को कुछ करने से रोकते हैं कि भाई राज्य जी ऐसा है, आप फंडामेंटल राइट को कम नहीं कर सकते कानून बना के। मतलब
वो एक अलग बात है केशवानंद भारतीवाद में, लेकिन सामान्यतः ये राज्य को काम करने से रोकते हैं कि हमारे जो फंडामेंटल राइट है वो रहने दो, समझे। दूसरा, ये निजी व्यक्तियों पे भी निषेधाज्ञा लागू करते हैं, यानी यदि कोई निजी व्यक्ति किसी दूसरे के फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करता है, असमानता बरतता है, भेदभाव करता है, अस्पृश्यता बरतता है, शोषण करता है ना, तो फिर उस व्यक्ति को भी ये रोकते हैं। यानी कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट राज्य और निजी व्यक्ति के ऊपर निषेधाज्ञा जैसे हैं, जबकि ये जो DPSP हैं ये सरकार के साथ ही अन्य अधिकारियों से नीति निर्माण में निदेशक तत्वों तथा, यानी ये सकारात्मक है, ये सरकार को और अन्य अधिकारियों को DPSP को लागू करने के लिए कहते हैं। इसी को आप एक दूसरे एंगल से समझ सकते हो कि फंडामेंटल राइट नकारात्मक है और DPSP सकारात्मक है। फंडामेंटल राइट रोक रहे हैं कहीं ना कहीं और DPSP कार्य करने के लिए कह रहे हैं। दूसरा डिफरेंस। तीसरा डिफरेंस, ये बताओ बफरिंग हो रही है क्या, ये सुरुचि को हो रही है भाई, बाकी बच्चों को हो रही है क्या, मुझे तो नहीं लग रहा हो रही है। अपना भी नेट चेक कर लिया करो कभी, अब हो सकता है हो रही हो, एक बार बताओ भाई, बताओ आदर्श, चुलबुली, गुलाब जामुन, क्या सही नाम रखे हो भाई, नहीं हो रही ना सुरुचि, आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम है बच्चे। आगे आओ, आगे मैं बता ही चुकी हूँ कि जो फंडामेंटल राइट है इनकी प्रकृति नकारात्मक होती है, क्योंकि ये राज्य को कुछ नीतियों के निर्माण को प्रतिबंधित करते हैं, है ना, फंडामेंटल राइट की। और इनकी प्रकृति सकारात्मक होती है, क्यों, क्योंकि ये राज्य को कुछ करने के लिए कहते हैं। अगला, जो मूल अधिकार होते हैं ना, ये न्यायालय में प्रवर्तनीय है। अभी हमने देखा कि फंडामेंटल राइट न्यायालय में प्रवर्तनीय है, यदि फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है तो आर्टिकल 32 स्वयं में एक फंडामेंटल राइट है जो संरक्षण करता है ना, यानी ये न्यायालय में प्रवर्तनीय है, यदि किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है तो वो सीधा सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है, लेकिन जो नीति निदेशक तत्व है ये न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। तीसरा डिफरेंस, ये राजनीतिक लोकतंत्र का आधार है, मैं शुरू में ही बता चुकी हूँ, और नीति निदेशक तत्व सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। ये मूल अधिकार व्यक्ति केंद्रित होते हैं भाई, मूल अधिकार व्यक्ति केंद्रित होते हैं, मेरी समानता, मेरे साथ भेदभाव ना हो, मेरी स्वतंत्रता, मेरा शोषण ना हो, मेरी धार्मिक स्वतंत्रता हो, है ना, जबकि नीति निदेशक तत्व समूह केंद्रित होते हैं। समूह केंद्रित का मतलब क्या हो गया कि भाई जैसे महिलाएं हैं, ये क्या हो गया भाई, जैसे महिलाएं हैं तो समूह केंद्रित हो गया ना, पूरी महिलाओं की बात की जा रही है, पूरे मजदूरों की बात की जा रही है ना, तो याद रखिएगा। और नीति निदेशक तत्व एक कल्याणकारी राज्य को स्थापित करते हैं। ये डिफरेंस हो गए, यानी ये उदारवादी दर्शन पे, ये बहुत सारे दर्शनों पे आधारित है, ये निषेधाज्ञा के रूप में है, ये कुछ करने के लिए कहते हैं, ये नकारात्मक है, ये सकारात्मक है, ये न्यायालय में प्रवर्तनीय है, ये न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, ये राजनीतिक लोकतंत्र को स्थापित करते हैं, ये सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करते हैं, ये व्यक्ति केंद्रित होते हैं, ये समूह केंद्रित होते हैं, और कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हैं। मुझे ये बताओ, यदि आपसे पूछे कि भाई फंडामेंटल राइट और DPSP में क्या डिफरेंसेस है, PT में कभी भी घुमा फिरा के क्वेश्चन आ जाए तो आप कर लोगे, यदि किसी भी मुद्दे को लेके, मतलब किसी भी पॉइंट को लेके कोई डाउट है तो फटाफट पूछ लो। फटाफट पूछिए यदि कोई डाउट है, अगर नहीं डाउट है तो मैं आगे बढ़ूं, थम्स अप दे दो अगर डाउट नहीं है तो फटाफट। क्लियर है, ठीक है, बहुत बढ़िया, ये हो गया भाई हमारे डिफरेंसेस। अब हम बात करते हैं दूसरे मुद्दे की, याद रखना यहां से क्वेश्चन जबरदस्त तरीके से बनता है, फंडामेंटल राइट और नीति निदेशक तत्वों के मध्य परस्पर वाद कौन कौन से रहे हैं। याद रखना मैं एक टॉपिक करवा चुकी हूँ मूल ढांचे का सिद्धांत, बेसिक स्ट्रक्चर YouTube पे करवा चुकी हूँ, इसी प्लेलिस्ट में आप देख लेना, उसको जरूर सुन लेना, यदि उसको सुन लोगे तो आपको ये पूरा मुद्दा समझ में आ जाएगा, लेकिन फिर भी मैं ब्रीफ में बताऊंगी आप लोगों को। देखो, जब देश स्वतंत्र हुआ उसी समय से DPSP वर्सेस फंडामेंटल राइट, इन दोनों के बीच में क्लेश शुरू हो गया था। कैसे, इसकी पृष्ठभूमि थोड़ी सी समझ लो भाई। DPSP कल्याणकारी राज्य की स्थापना की बात करते थे, जब देश स्वतंत्र हुआ तो सरकार के सामने लक्ष्य था सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित करना है, कल्याणकारी अवधारणा को सुनिश्चित करना है,
जो वंचित तबके हैं उनके लिए कुछ विशेष उपाय करने हैं, तो सरकार इनको लागू करना चाहती थी डीपीएसपी को। लेकिन जिसने थोड़े बहुत फंडामेंटल राइट पढ़ लिए थे उसने पढ़ लिया था आर्टिकल 14 कि भाई विधि के समक्ष सब समान है, जाति धर्म, उसने पढ़ लिया था आर्टिकल 15 कि जाति धर्म लिंग वंश मूल स्थान इत्यादि के आधार पर किसी भी व्यक्ति से आप कोई भेदभाव नहीं कर सकते। इसलिए जैसे ही राज्य डीपीएसपी को क्रियान्वित करने का प्रयास करे, यानी जैसे ही कुछ विशेष सुविधाएं देने का प्रयास करे एससी को एसटी को या फिर अलग अलग समूहों को, तो लोग कहाँ चले जाएं फंडामेंटल राइट का हवाला देते हुए, चले जाते थे कोर्ट में। और ये वाद विवाद चलता रहा लगभग, आप ये देखोगे कि जब तक केशवानंद भारती वाद का डिसीजन नहीं आ गया तब तक ये वाद विवाद चलता रहा। आगे भी केशवानंद के बाद भी 42वें संशोधन द्वारा सरकार काफी कुछ कर देती है, फिर मिनर्वा मिल्स वाद आता है, तो इन वादों की एक पृष्ठभूमि हम अभी यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। जैसे मूल अधिकार और नीति निदेशक तत्वों के जो मध्य टकराव है वो संविधान के आरंभ से ही स्पष्टतः विद्यमान है। जैसे ही संविधान, जैसे ही देश स्वतंत्र हुआ उसी समय से डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट की टकराहट शुरू हो गई। न्यायिक घोषणाओं और संवैधानिक संशोधनों की एक श्रृंखला ने दोनों के मध्य संतुलन को परिवर्तित किया, यानी बहुत सारे डिसीजन आए, बहुत सारी घोषणाएं, उसके बाद हम एक डिसीजन पे पहुंचे और वो डिसीजन क्या है कि भाई फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी दोनों संतुलन पे आधारित है, कोई किसी से ऊपर नहीं है, दोनों एक गाड़ी के दो पहिए हैं। तब तक इनमें वाद विवाद चलता रहा। देखो दोस्तों याद रखना, पहला वाद आया था मद्रास राज्य चंपकम दोराइजन वाद, चंपकम दोराइजन वाद याद रखना 1951। क्या किया, मद्रास की जो सरकार थी उसने एससी एसटी या जो एससी एसटी को बेसिकली आरक्षण की व्यवस्था कर दी थी, जो पिछड़े थे उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था कर दी थी। अब जिसने फंडामेंटल राइट पढ़ा वो चले गए कोर्ट में कि भाई ये तो आर्टिकल 15 का उल्लंघन है कि आप जाति धर्म लिंग मूल वंश और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करोगे, यानी आर्टिकल 15 भेदभाव को रोकता है। और आपने क्या किया, आर्टिकल 46 के तहत पिछड़े को के लिए विशेष संरक्षण दे दिया। उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि निदेशक तत्व और मूल सिद्धांतों के बीच किसी भी तरह के टकराव में मूल अधिकार प्रभावी होंगे। अब भाई जब न्यायालय के समक्ष मामला गया तो न्यायालय ने ये कहा कि देखो भाई फंडामेंटल राइट न्यायालय में प्रवर्तनीय है, डीपीएसपी न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, तो यदि दोनों के बीच विवाद है तो कौन प्रवर्तनीय होगा, तो फंडामेंटल राइट प्रवर्तनीय होंगे, इसलिए निदेशक सिद्धांत मूल अधिकारों के पूरक के रूप में निश्चित रूप से लागू होंगे, वो एक अलग बात है। और यहीं पे ये कह दिया कि आपने ये जो संरक्षण दिया है ये गलत है, फंडामेंटल राइट के हिसाब से देखें। ये जो 15 चार बार है ना, ये तो बाद में जोड़े गए कि हम आरक्षण वगैरह का प्रोविजन कर सकते हैं, उनको विशेष सुविधाएं दे सकते हैं। इस बाद में यह तय हुआ कि मूल अधिकारों को संसद द्वारा संविधान संशोधन प्रक्रिया के तहत संशोधित किया जा सकता है, जैसे कि पहला संशोधन, ये एक अलग बात है। मेरी बात समझे, यानी यहाँ पे मूल अधिकारों को प्रभावी मान लिया गया डीपीएसपी के ऊपर। चंपकम दोराइजन वाद में फंडामेंटल राइट को अग्रता दी गई, अग्रणी रखा गया डीपीएसपी की तुलना में। और साथ ही इसमें यह कहा गया कि आप फंडामेंटल राइट में संशोधन कर सकते हो संविधान संशोधन प्रोसेस के तहत। उसके बाद शंकरी प्रसाद, ये जो ये कहा गया था ना संशोधन कर सकते हो, ये शंकरी प्रसाद में कहा गया था, शंकरी प्रसाद वाद में ये कहा गया कि भाई आप फंडामेंटल राइट में संशोधन कर सकते हो, लेकिन वो संशोधन आपको संविधान संशोधन की प्रक्रिया द्वारा करना पड़ेगा, यानी अनुच्छेद 368 के द्वारा करना पड़ेगा, सामान्य विधि बना के आप संशोधन नहीं कर सकते, ठीक है। अगला गोलकनाथवाद आया 1967 में। उच्चतम न्यायालय ने मूल अधिकारों को निदेशक तत्वों की तुलना में वरीयता दे दी और साफ साफ ये कह दिया गोलकनाथवाद में कि संसद फंडामेंटल राइट में संशोधन कर ही नहीं सकती, संशोधन ही नहीं कर सकती। और ये कहा कि फंडामेंटल राइट बिल्कुल अग्रता रखेंगे डीपीएसपी में। और यहां तक कह दिया कि ये जो संशोधन 368 के तहत भी नहीं कर सकती संसद, निदेशक तत्वों को लागू करने के लिए मूल अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता। और ये भी कह दिया इस
गोलकनाथवाद में, आर्टिकल 13 आप लोगों को याद है फंडामेंटल राइट में पढ़ा था आर्टिकल 13। ये बड़ी डीप बातें हैं, बहुत आसानी से समझ में नहीं आती हैं, याद रखना। इसलिए आपसी गुफ्तगू बाद में करना, पहले कंसंट्रेशन यहाँ पे रखो। आर्टिकल 13 ये कहता है कि कोई भी विधि, उपविधि, कानून, नियम, उपनियम वहां तक अवैध होगा जहां तक वो फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करता है। तो इस गोलकनाथवाद में ये कह दिया कि भाई ये जो संविधान संशोधन है ना, ये जो संविधान संशोधन है ना, ये भी एक प्रकार का क्या है, कानून है। इसलिए यदि संविधान संशोधन के माध्यम से भी आप फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करते हो, उसको कम करते हो, तो भी वो अवैध होगा। यानी आप फंडामेंटल राइट को छेड़ ही नहीं सकते। मेरी बात समझ में आई? गोलकनाथवाद में क्या कहा कि संविधान संशोधन के द्वारा भी इसमें आप परिवर्तन नहीं कर सकते। इस गोलकनाथवाद में दिए गए निर्णय को निष्प्रभावी बनाने के लिए फिर संसद क्या करती है, 24वां और 25वां संविधान संशोधन लेके आती है। 24वें संविधान संशोधन द्वारा संसद यह कह सकती है, संसद ने ये कहा कि संसद को यह अधिकार है कि वह मूल अधिकारों को समाप्त करे या कम करे। और साथ ही कहा कि संविधान संशोधन अलग है और कानून अलग है, समझे। यदि हम कानून बना के फंडामेंटल राइट में संशोधन करते हैं तो वो अवैध होगा, सही बात है, मान लिया आपकी बात। लेकिन यदि हम संविधान संशोधन की प्रक्रिया द्वारा संविधान संशोधन करते हैं तो वो अवैध नहीं होगा, वो वैध होगा। 24वें संशोधन द्वारा ये कह दिया कि संसद को ये अधिकार है कि वो फंडामेंटल राइट को समाप्त करे या कम करे, ये उसकी इच्छा होगी। लेकिन ये जो करेगा वो संविधान संशोधन की प्रोसेस द्वारा करेगा। और आर्टिकल 25 इतना नहीं जाना, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को बेसिक स्ट्रक्चर में पढ़ा चुकी हूँ। 25वें संविधान संशोधन द्वारा ये कह दिया, आर्टिकल 39B और 39C, आर्टिकल 39B में है देश के संसाधनों का देश हित में प्रयोग होगा, किसी एक व्यक्ति के हित में नहीं। और 39C कहता है धन के संकेंद्रीकरण पर रोक, यानी धन का केंद्रीकरण को रोका जाएगा। यानी 39B और 39C दोनों को मिला के पढ़े तो आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये कहा गया कि 39B और 39C को लागू करने के लिए फंडामेंटल राइट में संशोधन किया जा सकता है यदि सरकार 39B और 39C को लागू कर रही है तो आर्टिकल 14, 19 और 31 के आधार पे उसे चुनौती नहीं दी जा सकती, उसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाएगी। बात समझ में आई? चंपकम दोराइजनवाद, शंकरी प्रसादवाद, गोलकनाथवाद में क्या कहा गया, आप संशोधन ही नहीं कर सकते। सरकार को लगा कि भाई ये तो बिना बात हमारे मामलों में हस्तक्षेप हो रहा है, तो सरकार 24वां और 25वां संशोधन ले आई। 24वें द्वारा कह दिया सरकार ने कि हम संशोधन कर सकते हैं। आर्टिकल 13 में कानून अलग बात है और संविधान संशोधन अलग बात है। हम कानून बना के भले ही संशोधन ना करें, लेकिन हम संविधान संशोधन की प्रक्रिया द्वारा संशोधन कर सकते हैं, सिंपल सी बात कह दी। और 25वें संविधान संशोधन द्वारा ये कहा कि आर्टिकल 39B और आर्टिकल 39C को लागू करने के लिए हम फंडामेंटल राइट को परिवर्तित कर सकते हैं और 14, 19, 31 के आधार पर चुनौती नहीं दी जाएगी। यानी कंक्लूजन क्या निकाला 25वें संशोधन का, आर्टिकल 39B और आर्टिकल 39C फंडामेंटल राइट के ऊपर अग्रता रखते हैं। बुझे कि नहीं बुझे, समझ में आया? ये ना बहुत गहरी चीजें हैं और ये बार बार पूछी जाने वाली चीजें हैं आपके एग्जाम में, पीटी में। यदि डीप क्वेश्चन बनता है कहीं से तो ये बहुत ही ट्रिकी वाली चीजें हैं। यदि आपने एक बार अच्छे से नहीं समझा तो नहीं समझ में आएगा, और एक बार अच्छे से समझ लिया तो आ जाएगा। ये बताओ आ गया समझ? ठीक है, बिल्कुल क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं इनका आगे, केशवानंद भारतीवाद। केशवानंद भारतीवाद में क्या हुआ, केशवानंद भारतीवाद में ये बात कह दी कि भाई संसद को फंडामेंटल राइट में संशोधन करने का अधिकार है, बिल्कुल। यानी ये इसमें नहीं गई थी केशवानंद में, न्यायिक समीक्षा तो ये किसमें कहेगा, मैं बताऊंगी आगे, मिनर्वा मिल्स में कहेगा। केशवानंद भारतीवाद में क्या कह दिया कि भाई सरकार को फंडामेंटल राइट में संशोधन करने का अधिकार है, लेकिन वो संशोधन 368 के प्रोसेस के द्वारा ही होगा, 368 की प्रक्रिया के द्वारा ही होगा, कानून बना के नहीं।
यानी संसद फंडामेंटल राइट में संशोधन कर सकती है, गोलकनाथवाद को पलट दिया किसमें, केशवानंद भारतीवाद, और साथ ही ये कह दिया कि भाई आप संशोधन तो कर सकते हो लेकिन आप मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकते। ये यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है मिनर्वा मीन्स लिखना था, लिख दिया केशवानंद, मेरी बात समझे, मूल ढांचे में नहीं कर सकते, ये बात समझ में आ गई। 42वां संशोधन में सरकार ने फिर परिवर्तन कर दिया और साथ में ये कह दिया कि न्यायिक समीक्षा का अधिकार नहीं है किसको, न्यायालय, और साथ ही में ये कह दिया कि पहले तो हम ये कह रहे थे कि आर्टिकल 39B और 39C ही केवल फंडामेंटल राइट पे अग्रता रखते हैं, अब हम ये कह रहे हैं कि सारे के सारे DPSP फंडामेंटल राइट पे अग्रता रखते हैं, यानी नीति निदेशक तत्वों की सर्वोच्चता और प्राथमिकता को मूल अधिकारों पे प्रभावी बना दिया सभी नीति निदेशक तत्वों। उसके बाद आता है मिनर्वा मील्स, मिनर्वा मील्स वाद में 42वें संशोधन को क्या कर दिया, अवैध घोषित कर दिया, मतलब इसको जो विस्तार किया था अवैध घोषित कर दिया, और ये कह दिया क्या कि देखो भाई सारे के सारे DPSP नहीं प्रभावी होंगे, केवल 39B और C अग्रता रख सकते हैं फंडामेंटल राइट पे, यानी आप केवल आर्टिकल बी 39B और 39C को लागू करने के लिए फंडामेंटल राइट में संशोधन कर सकते हो। और यहीं पे संतुलन का सिद्धांत दे दिया था कि भाई दोनों में संतुलन, ये देखो संविधान का भाग 3 और भाग 4 संतुलन का सिद्धांत निहित है, ठीक है, यानी इन्हें एक दूसरे पर थोपने से संविधान की मूल भावना बाधित होती है, मूल भावना और संतुलन संविधान के बुनियादी ढांचे का एक भाग है, और साथ ही जो न्यायिक समीक्षा की शक्ति छीनी थी ना, न्यायिक समीक्षा को कह दिया कि संसद जी ये क्या कर दिया, न्यायिक समीक्षा को तो आप छीन ही नहीं सकते, कैसे छीन लिया कि क्यों नहीं छीन सकते, क्यों, क्योंकि न्यायिक समीक्षा तो मूल ढांचे का भाग है, ये जो न्यायिक समीक्षा को मूल ढांचा माना था ना, यहां से मैं कटवा दूंगी इसको, ये केशवानंद में नहीं बल्कि मिनर्वा मील्स में कहा था, मेरी बात समझ में आई, केशवानंद में 2-3 बातें, संसद संविधान संशोधन कर सकती है 368 के तहत लेकिन मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती। फिर 42वां संशोधन आया और मिनर्वा मील्स में 2 चीजें कही गई कि सारे DPSP प्रभावी नहीं होंगे फंडामेंटल राइट के ऊपर, केवल 39B और C प्रभावी हो सकते हैं, यानी फंडामेंटल राइट और DPSP संतुलन के सिद्धांत पे आधारित है, और दूसरी बात यहाँ पे कही गई कि न्यायिक समीक्षा बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है तो आप न्यायिक समीक्षा को हमसे नहीं छीन सकते, है ना। और उन्नीकृष्ण मामला आया, उन्नीकृष्ण मामले में भी ये बात साफ साफ कही गई कि भाग 3 और भाग 4 यानी फंडामेंटल राइट और DPSP क्या आपस में जुड़े हुए हैं, अनुपूरक हैं, एक दूसरे को पूर्णता प्रदान करते हैं, यानी संतुलन का सिद्धांत लागू है, और साथ ही दोनों को एक साथ मिला के ही हम समावेशी लोकतंत्र का आधार प्रदान कर सकते हैं, यानी राजनीतिक लोकतंत्र फंडामेंटल राइट और सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र DPSP। तो मुझे ये बता दो समझ में आया बिल्कुल अच्छे से, ये 5-6 चीजें याद रखनी है, चंपकम दोराइजनवाद, शंकरी प्रसादवाद, गोलकनाथवाद, गोलकनाथवाद के बाद 24वां और 25वां संशोधन, उसके बाद आपका आता है केशवानंद भारती, केशवानंद भारती के बाद 42वां संशोधन, उसके बाद आता है आपका मिनर्वा मील्सवाद, मिनर्वा मील्सवाद में संतुलन का सिद्धांत आ जाता है कि भाई दोनों में संतुलन है, कोई किसी के ऊपर अग्रता नहीं रखेगा, है ना, और न्यायिक समीक्षा मूल ढांचे का भाग बोल देता है। ऐसे ही उन्नीकृष्णवाद में भी ये कह देता है कि भाई बिल्कुल सही बात है, कोई अग्रता नहीं रखेगा बल्कि संतुलन के सिद्धांत पे आधारित, ठीक है, यहां तक क्लियर, सब बच्चों को फटाफट बता दो, बहुत बढ़िया। अब तुलनात्मक करण याद रखना बच्चे, एक इसी प्लेलिस्ट में आपको एक टॉपिक मिल जाएगा बेसिक स्ट्रक्चर, मूल ढांचे का सिद्धांत, उसको एक बार और सुन लेना, जो भी जिन भी बच्चों को थोड़ा सा भी डाउट है वो सुन लेना, फिर भी यदि डाउट है तो कल की क्लास में तो आऊंगी ही मैं, ठीक है, फिर पूछ लेना, ठीक है। आगे बात करते हैं, तुलनात्मक रूप से मूल अधिकारों की कानूनी स्थिति अधिक बेहतर है, आप देखोगे यदि दोनों में देखो भाई DPSP और फंडामेंटल राइट में कानूनी स्थिति किसकी बेहतर है तुलनात्मक तौर पे, तो DPSP की बेहतर है, क्यों, क्योंकि DPSP क्या है, न्यायोचित है, लेकिन फिर भी ये DPSP के महत्व को कमजोर नहीं करता, फिर भी DPSP को ये नहीं कह सकता कि भाई DPSP का इंपोर्टेंस कम है फंडामेंटल राइट की तुलना में। निश्चित समय अवधि के दौरान उदार व्याख्या के सिद्धांत के प्रयोग से उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 21 के तहत
क्या किया गया है। आर्टिकल 21 के तहत कई सारे नीति निर्देशक तत्वों को शामिल कर लिया। हम शिक्षा के अधिकार को इधर ले आए, हम स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार को इधर ले आए, बहुत सारे अधिकारों को हमने आर्टिकल 21 में समावेशित कर लिया। उच्चतम न्यायालय में सामंजस्यपूर्ण संरचना के सिद्धांत को स्पष्ट किया है, यानी दोनों में सामंजस्य है, कोई किसी के ऊपर वरीयता नहीं रखता, दोनों संतुलन सामंजस्य के सिद्धांत पे चलते हैं। मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व वास्तव में एक व्यवस्था के अंग है और इन दोनों का लक्ष्य भी एक है। क्या लक्ष्य है? किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करना और लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, यानी दोनों एक दूसरे को पूर्णता प्रदान करते हैं। ये जो वाद विवाद थे ना कि भाई डीपीएसपी महान है, कि फंडामेंटल राइट महान है ना, आप फंडामेंटल राइट को अग्रणी रखोगे डीपीएसपी की तुलना में या डीपीएसपी को, वो सारे वाद विवाद खत्म हो गए। मिनर्वा मिल्स और उन्नीकृष्ण मामले, इन दोनों में फिर आगे स्पष्ट कर दिया गया कि भाई ये दोनों सामंजस्यपूर्ण सिद्धांत पे आधारित है, दोनों का लक्ष्य एक ही है, व्यक्ति का विकास करना और कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। एक राजनीतिक लोकतंत्र, एक सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र, और यदि सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र नहीं है तो राजनीतिक लोकतंत्र विफल है, और राजनीतिक लोकतंत्र नहीं है तो सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र विफल है ना। तो ये सब आपस में जुड़े हुए हैं, है ना। मूल अधिकार और राज्य जो डीपीएसपी के मध्य जो समरसता और संतुलन है, जो समरसता और संतुलन है, वह संविधान के मूल ढांचे का एक परम आवश्यक तत्व है। यानी दोनों के बीच संतुलन भी अपने आप में क्या है? मूल ढांचा है। सरकार ये नहीं कह सकती कि आज से डीपीएसपी महान हो गए फंडामेंटल राइट के ऊपर। हम डीपीएसपी को लागू करने के लिए कहीं पे भी संशोधन कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि दोनों में संतुलन आज की डेट में मूल ढांचे का भाग। यहां तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है तो फटाफट पूछ लो भाई। कुछ नहीं बताया, क्या बताया? सबसे पहले चंपकम दोराइजनवाद, शंकरी प्रसादवाद, गोलकनाथवाद, 24वां 25वां संशोधन, केशवानंद भारतीवाद, 42वां संशोधन, मिनर्वा मील्सवाद, उन्नीकृष्णवाद, और इसी में फाइनल ये कह दिया कि दोनों संतुलन पे आधारित है और कहीं ना कहीं दोनों के बीच जो संतुलन है वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट। समझ में आया? क्लियर? बिल्कुल। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब एक एक करके आर्टिकल्स पे आते हैं, ठीक है। देखो दोस्तों, सबसे पहले आर्टिकल 36 की बात करते हैं। आपको पता है, अभी मैंने आपको बताया कि आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक क्या कहा गया है, इनको अलग अलग आर्टिकल के माध्यम से स्पष्ट किया गया कि भाई किस आर्टिकल में क्या आएगा। तो सबसे पहले हम आर्टिकल 36 की बात करें, 36 की बात करें, तो इसमें परिभाषा दी गई है और इसमें यह कह दिया गया है कि जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित ना हो, राज्य का वही अर्थ होगा जो भाग तीन में है। मुझे ये बताओ, भाग तीन में राज्य को कौन से अनुच्छेद के तहत परिभाषित किया है? कौन बताएगा सबसे पहले? भाग तीन में राज्य को कौन से अनुच्छेद के तहत परिभाषित किया है? बताओ फटाफट। आर्टिकल, वेरी गुड, आर्टिकल 12 में। आर्टिकल 12 में ना राज्य को परिभाषित किया है, विस्तृत तौर पे परिभाषित किया है कि भाई राज्य की परिभाषा में क्या क्या होगा। तो भाई संघ सरकार होगी, संसद होगी, राज्य की सरकार होगी, विधानमंडल होगी, स्थानीय जो स्वशासन की इकाइयां होंगी, या ऐसी कोई भी इकाई जिसमें राज्य की भागीदारी हो, वो सब स्टेट की डेफिनेशन के अंदर आएंगे। तो आर्टिकल 36 में ना अलग से परिभाषित नहीं किया, आर्टिकल 36 में ये कह दिया कि भाई राज्य वही होगा जो आर्टिकल 12 में लिखा है। तो इसलिए याद रखना, यहां से पीटी का एक बहुत डीप क्वेश्चन बन सकता है। यदि आपसे कहे राज्य को, क्वेश्चन सुनना और आंसर बताना, राज्य को स्पष्ट तौर पे परिभाषित कहां किया गया है? ऑप्शन है आर्टिकल 12, आर्टिकल 36, आर्टिकल 40, आर्टिकल 42। एक ऑप्शन चुनना है इसमें। तो मुझे ये बताओ आंसर, सबसे सटीक आंसर क्या होगा? वेरी गुड। बहुत ही बढ़िया। सबसे सटीक आंसर क्या होगा? सबसे सटीक आंसर होगा आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 क्यों आंसर होगा? क्यों? क्योंकि 36 में तो केवल ये कह दिया गया है कि राज्य वही होगा जो आर्टिकल 12 में था, यानी आर्टिकल 36 में अलग से परिभाषित नहीं किया है राज्य, जो कि आर्टिकल 12 में कर दिया था। लेकिन आर्टिकल 12 में अच्छे से परिभाषित किया है भाई कौन कौन सी
विषय वस्तु राज्य की परिभाषा में शामिल होंगी। मेरी बात समझे तो इस क्वेश्चन को कर लोगे, यानी आर्टिकल 36 में क्या दिया गया है, राज्य की परिभाषा, और ये कह दिया गया है कि भाई राज्य वही होगा जो भाग 3 में था, यानी आर्टिकल 12 में था। ठीक है, तो यहाँ से पीटी का क्वेश्चन आए तो तैयार रहना। आते हैं दोस्तों आर्टिकल 37 में। आर्टिकल 37 में दो चीजें आपको देखने को मिलेंगी। क्या कहा गया है, पहला तो इस भाग में अंतर्विष्ट जो उपबंध है यानी जो भी प्रोविजन है वो किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे, यानी ये नॉन जस्टिसेबल नहीं है, गैर प्रवर्तनीय है। पहली बात तो आर्टिकल 37 में यही लिखी गई है कि डीपीएसपी न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं होंगे, किंतु दूसरी बात इनमें से अधिकथित तत्व देश के शासन में मूलभूत है और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना ये राज्य का कर्तव्य है, यानी डीपीएसपी शासन के मूलभूत होंगे, आधारभूत होंगे। यूपीएससी में आईएएस में क्वेश्चन पूछा किसमें, पीटी में, कि निम्नलिखित में से कौन शासन के आधारभूत है, ऑप्शन दे दिया प्रस्तावना, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटी। तो आंसर बताओ क्या होगा फटाफट, ए बी सी डी सामने है आपके, और बड़े बड़े बच्चे कंफ्यूज हो गए क्योंकि अच्छे से नहीं पढ़ा था, उन्हें लगा फंडामेंटल राइट है कि डीपीएसपी है कि प्रस्तावना है, भाई साहब माथा फोड़ लें अपना, क्या था क्या था क्या था। इसलिए हर एक विषय वस्तु को बहुत ध्यान से पढ़ना होता है, ध्यान रखना, बिल्कुल सही बात है, यहां तो मैंने बता ही दिया, एग्जाम हॉल में भी ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आर्टिकल 37 में दो बातें ही याद रखनी है कि भाई डीपीएसपी न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं होंगे, यानी इनको लागू नहीं किया जा सकता, और दूसरी बात ये लिखी है कि ये जो तत्व है ये देश के सामने मूलभूत होंगे, आधारभूत होंगे, यानी जो भी सरकार आएगी इनको लागू करने का प्रयास करेगी। आर्टिकल 36, आर्टिकल 37 बिल्कुल क्लियर है दोनों चीजें, बहुत बढ़िया। आर्टिकल 38 में क्या है याद रखना, आर्टिकल 38 में लिखा है राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि हेतु सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, यानी लोक कल्याण की वृद्धि के लिए कल्याणकारी राज्य की स्थापना का आदर्श दिखता है कहां, आर्टिकल 38 में। एक बार पीटी में क्वेश्चन पूछा, यूपीपीसीएस वगैरह में पूछा था, क्योंकि उसमें दो तीन ऑप्शन दिए थे कि निम्नलिखित में से कौन स्पष्ट तौर पे कल्याणकारी राज्य की स्थापना की बात करता है, तो उसमें प्रस्तावना भी ऑप्शन में था, डीपीएसपी भी ऑप्शन में था, फंडामेंटल राइट भी थे, फंडामेंटल ड्यूटी भी थे। तो याद रखना, वैसे तो प्रस्तावना भी कल्याणकारी राज्य का आदर्श तय करती है ना भाई, हाँ या ना, मुझे ये बताओ, बिल्कुल कर सकते हैं। दंशिका क्या बोल रहे हैं, मैम संशोधन तो कर सकते हैं डीपीएसपी में, बिल्कुल संशोधन कर सकते हैं बच्चे, और संशोधन करने के माध्यम से हमने कई सारे डीपीएसपी को बाद में ऐड किया हमारे संविधान में। मैं अभी जब आर्टिकल्स आपको याद करवाऊंगी तो बताऊंगी, जैसे आर्टिकल 39A को हमने 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा, आर्टिकल 43A को जोड़ा, 48A को जोड़ा, 39F को जोड़ा, है ना, या इसके अलावा ये 43B को हमने 97वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा, तो डीपीएसपी में संशोधन बिल्कुल कर सकते हैं। मेरी बात समझे, तो याद रखना प्रस्तावना में भी लोक कल्याणकारी राज्य की बात तो है, कहां, अब कहोगे मैम कहां बात है, क्योंकि प्रस्तावना में सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय की संकल्पना दी गई है, और सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय का मतलब ही क्या है, वेलफेयर स्टेट। लेकिन डीपीएसपी में तो बिल्कुल क्लियरली लिख दिया गया है आर्टिकल 38 में कि भाई कल्याण की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा राज्य। इसलिए यदि दोनों ऑप्शन में हो ना, यदि ये हो कि ए प्लस बी दोनों में बात की गई है तो आंसर ये होगा, लेकिन यदि चारों में से एक चुनना पड़े, याद रखिएगा इस बात को, जो भी बीपीएससी वगैरह देने जा रहे हैं, यदि चारों में से एक चुनना पड़े तो फिर हम प्रस्तावना को नहीं चुनेंगे, फिर हम डीपीएसपी को चुनेंगे, क्योंकि डीपीएसपी में आर्टिकल 38 में क्लियर कट लिखा है लोक कल्याण की अभिवृद्धि का प्रयास कौन करेगा, राज्य करेगा। राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था, लोक कल्याण का मतलब क्या है, फिर वही, राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिसमें सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्रमाणित करे, भरसक प्रभावी रूप से स्थापना संरक्षण करके लोक कल्याण की अभिवृद्धि, यानी क्या है, राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिसमें सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय की संकल्पना जुड़ी हुई हो, यानी वही वाली बात है कि जो वंचित हैं, गरीब हैं और जो पिछड़े हैं, उनके कल्याण के लिए, उनके संरक्षण के लिए,
उनको समाज की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए सरकार के द्वारा अतिरिक्त प्रयास किए जाएंगे अलग अलग योजनाओं के माध्यम से। राज्य विशिष्टता इसमें क्या क्या कर सकता है, आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा, और ये आय की असमानताएं ना केवल व्यक्तियों के बीच बल्कि क्षेत्र में रहने वाले या विभिन्न व्यवसायों में, ये यानी असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा कि भाई जो गरीब है उनकी बुनियादी सुविधाएं तो पूरी हो, रोटी कपड़ा मकान की सुविधाएं तो पूरी हो, तो ये प्रयास करेगा राज्य। आर्टिकल 38 में इतना कहा गया है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा। आर्टिकल 36 परिभाषा, आर्टिकल 37 क्या न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है और आधारभूत होंगे शासन के, आर्टिकल 38 लोक कल्याण की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा राज्य, यानी तीनों आर्टिकल बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, थम्स अप दे दो। यहाँ तीनों से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, कहाँ कहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं मैं बता चुकी हूँ, है ना, याद रखना। यदि ऑप्शन में ये आ जाए कि भाई डीपीएसपी प्लस प्रस्तावना दोनों कल्याणकारी राज्य की बात कर रहे हैं तो फिर दोनों आंसर में आ जाएगा, लेकिन यदि दोनों में से एक चुनना है तो हम डीपीएसपी को चुनेंगे। क्यों? क्योंकि डीपीएसपी के आर्टिकल 38 में साफ साफ तौर पे कल्याणकारी राज्य के आदर्श को बताया गया है। ठीक है, तीनों आर्टिकल बिल्कुल याद हो गए। अब आते हैं 39 में आय की असमानताओं को कम करने के प्रयास की बात है, और साथ ही राज्य द्वारा कुछ पालन किए जाने वाले कुछ ऐसे नीति निर्देशक तत्वों की बात है जो आय की असमानताओं को कम करने के साथ साथ महिलाओं और बच्चों के संबंध में भी प्रोविजन करते हैं। इसके 6 प्रोविजन है, 6 के 6 आपको याद होने चाहिए। यही पे मैं आप लोगों को बता दूं, ललिता दहिया अकेडमी मतलब जो मेरा चैनल है यूट्यूब वाला, उस पे आपको एक पूरी प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी जिसमें मैं आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 39A तक कंप्लीट करवा चुकी हूँ, 40 आज आ जाएगा। तो ऐसे ही 59 सेकंड में एक एक आर्टिकल को पूरा कंप्लीट करा रही हूँ, वहां से भी देख सकते हो। जैसे आर्टिकल 39 क्या कहता है, सबसे पहली बात, पुरुष और स्त्री सभी नागरिक, केवल पुरुष और स्त्री नहीं सभी को, यानी ट्रांसजेंडर्स वगैरह भी आ जाएंगे इसमें यदि हम इसकी विस्तृत व्याख्या करें तो, पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो, यानी सभी नागरिकों को समान तौर पे जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो, यानी किसी भी व्यक्ति के साथ जब अवसर की समानता है एक तरीके से, यानी किसी भी व्यक्ति के साथ जीविका के साधन अपनाने के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, पुरुषों को भी समान अवसर होंगे, महिलाओं को भी समान अवसर होंगे, इनफैक्ट सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान किए जाएंगे जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने के, यानी समझ में आया, यानी जीविका के पर्याप्त साधन या काम के पर्याप्त साधन आप कह सकते हो 39, इसे छोटा ए बोल सकते हैं 39A। 39B क्या कहता है, 39B कहता है, यहाँ थोड़ा टेक्निकल शब्दों में लिखा है, एक बार इसको पढ़ती हूँ फिर हम सरल शब्दों में देखेंगे। समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बटा हो जिसमें सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो, इसे हम ऐसे बोल सकते हैं क्या कि देश के संसाधनों का देश हित में प्रयोग हो, यानी भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण, यानी देश के संसाधनों का इस प्रकार से सामूहिक हित में, देश के संसाधनों का देश हित में प्रयोग हो, सामूहिक हित में प्रयोग हो, किसी एक व्यक्ति के हित में प्रयोग नहीं होगा। आर्टिकल 39B, आर्टिकल 39A कहता है कि पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त अवसर मुहैया कराए जाएंगे। आर्टिकल 39B कहता है देश के संसाधनों का देश या सामूहिक हित में प्रयोग किया जाएगा। आर्टिकल 39C कहता है क्या, इसको पढ़े फिर इजी पढ़ेंगे, आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले कि धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण ना हो, यानी 39C क्या कहता है, धन के संकेंद्रीकरण पर रोक, धन के केंद्रीकरण पर रोक, यानी कुछ मुट्ठी भर लोगों के हाथों में ही धन केंद्रित होकर ना रहे। 39A जीविका के पर्याप्त अवसर सभी नागरिकों को, 39B देश के संसाधनों का सामूहिक हित में प्रयोग, 39C धन के संकेंद्रीकरण पर रोक, 39D क्या कहेगा, 39D कहेगा पुरुष और स्त्री दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन। आईएएस 2021 या 20 में क्वेश्चन पूछा गया कि समान कार्य के लिए समान वेतन की बात कहाँ की गई है, या अलग तरीके से पूछा था कि समान कार्य के लिए समान वेतन की बात हमारे संविधान में नहीं की गई है, कुछ ऐसा था, तो हमको पता होना चाहिए भाई हमारे संविधान में समान कार्य के लिए समान वेतन की बात साफ तौर पे कही गई है, कहाँ,
डीपीएसपी में और कहां 39D में। चार आर्टिकल बिल्कुल अच्छे से याद हुए, मैं फिर से याद कराऊंगी। और आर्टिकल 39E क्या कहता है? ई कहता है पुरुष और स्त्री कर्मगारों के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग ना हो, यानी ऐसा काम ना करवाया जाए किसी पुरुष से, किसी स्त्री से, किसी बच्चे से जो उनकी शक्ति और क्षमता के प्रतिकूल हो। अब मान लो एक 8 साल का बच्चा है, उसके सर पे आप 16 ईंट रख के और चढ़ा रहे हो सीढ़ियों पे कि ऊपर रख के आओ, तो ऐसा काम नहीं करवाया जाएगा। यानी पुरुष और स्त्री कर्मगारों के स्वास्थ्य, उनकी शक्ति और बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग नहीं किया जाएगा। आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगार में ना जाना पड़े जो उनकी आयु या शक्ति के प्रतिकूल हो। मान लो एक गर्भवती स्त्री है, वो ऐसा कोई मेहनत निर्माण कार्य में लगी है, भाई ईटेड हो रही है ना, तो फिर वो उसकी आयु और शक्ति के तो प्रतिकूल है, लेकिन आर्थिक विवशता में उसको ऐसा करना पड़ रहा है। तो आर्टिकल 39E कहता है कि भाई जो पुरुष है स्त्री है उनके स्वास्थ्य, उनकी शक्ति, बच्चों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग नहीं किया जाएगा। यानी आर्थिक विवशता से मजबूर होके कोई नागरिक ऐसा काम ना करे जो उनकी शक्ति के और जो उनकी क्षमता के प्रतिकूल है, इसका राज्य ख्याल रखेगा। 39E समझ में आया। 39F क्या कहता है? ये जो 39F है ना दोस्तों, ये मूल संविधान में नहीं था, इसको 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। ये जो लास्ट वाला है 39F, ये कहता है बच्चों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं दी जाएं और बालकों एवं अल्पत्र व्यक्तियों के शोषण और नैतिक आर्थिक परित्याग से रक्षा की जाए। आप यहाँ याद रख सकते हो कि बालकों के स्वास्थ्य विकास से संबंधित व्यवस्था की गई है कहाँ, 39F, और ये मूल संविधान में नहीं था, इसको 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया। आर्टिकल 39 में 6 प्रोविजन है। 39A कहता है कि सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन मिलेंगे। 39B कहता है देश के संसाधनों का सामूहिक हित में प्रयोग होगा। 39C कहता है धन के केंद्रीकरण पर रोक, संकेंद्रीकरण पर रोक। 39D कहता है समान कार्य के लिए समान वेतन। 39E कहता है पुरुष तथा महिलाओं की शक्ति और स्वास्थ्य का तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग नहीं होगा। यानी आर्थिक विवशता में आके ये ख्याल रखा जाएगा कि कोई भी नागरिक आर्थिक विवशता में आके ऐसा काम ना करे जो उनकी शक्ति और जो उनकी क्षमता के प्रतिकूल हो। और 39F जो कि 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया, ये कहता है कि बच्चों के स्वास्थ्य विकास का राज्य ख्याल रखेगा। मुझे ये बताओ आर्टिकल 39 बिल्कुल अच्छे से समझ में आया? ठीक है, इसको एक बार सरसरी निगाह से, मतलब इसको याद जरूर करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। 39 बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ठीक है। तो आगे 39A से लेके और 59A ये हम कल निपटाएंगे। कल हमारा फंड ये डीपीएसपी खत्म हो जाएगा, इसमें अंतरराष्ट्रीय, इसमें वर्गीकरण हम देख लेंगे कैसे समाजवादी गांधीवादी, और फिर इसका वो देखेंगे, हम उपयोगिता देखेंगे, बस हो जाएगा हमारा। इससे बाहर पीटी में आपका कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, डीपीएसपी में कितना भी घुमा फिरा के क्वेश्चन आ गया। ये जो डिस्कशन हुआ है, चाहे वाद विवाद से क्वेश्चन आ जाए, चाहे केशवानंद मिनरवा कुछ भी पूछ ले, तो आप इसके बेस पे आंसर कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास इतनी ही, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, सब्सक्राइब करवा लें, और फटाफट इंस्टॉल कर लें ललिता दहिया अकेडमी ऐप, साइन अप कर लें। यहाँ पे 2 बैच चल रहे हैं, पॉलिटी विद करंट अफेयर्स फॉर आईएएस मेंस 2023-24-25 तक के बच्चों को बहुत ही शानदार कंटेंट, क्वालिटी और बहुत ही बेहतर स्ट्रेटेजी के साथ आपको प्रिपरेशन कराई जा रही है। आंसर राइटिंग पे खासा फोकस किया जा रहा है आप लोगों की, डेली आप लोगों को आंसर राइटिंग करनी होती है। आपका एक डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप बनाया गया है, मात्र 2100 रुपए में कंप्लीट क्वालिटी आपको करवाई जा रही है मेरे द्वारा, तो आप जुड़ सकते हैं क्वालिटी बैच में। इसकी काफी क्लासेस हो चुकी हैं, आप रिकॉर्डेड भी देख सकते हो, लाइव भी देख सकते हो, ठीक है। 1 साल वैलिडिटी रहेगी आपके कोर्स की। और इंटरनेशनल रिलेशंस विद करंट अफेयर्स 23-24-25 वाले बच्चों के लिए मात्र 1625 रुपए में पूरा इंटरनेशनल रिलेशंस आपको कवर कराया जा रहा है, तो आप जुड़ सकते हैं ललिता दहिया अकेडमी में इन दोनों कोर्सेज में मेरे साथ, ठीक है। बहुत ही शानदार कंटेंट और बहुत ही शानदार समझाने का तरीका, आंसर राइटिंग पे विशेष फोकस, तो इन दोनों बैचेस में आप जुड़ सकते हो, अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हो। बाकी मिलेंगे अभी 12 बजे ऐप पे पॉलिटी मेंस, और शाम में 5 बजे इंटरनेशनल रिलेशंस मेंस,
और कल 10 बजे इसी क्लास में DPSP Part 2 के साथ। तो जय हिंद, जय भारत, ऑल द